असलकम क्या हाल चाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एक नए दिन के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ हाजिर जी तो आज का टॉपिक बहुत है डिफरेंट और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही आप स्किन के बारे में भी कुछ डिटेल से बताएं तो जी आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है स्किन की ड्राई के हवाले से कि जब सर्दियों का आगाज़ तकरीबन हो चुका है क्योंकि हम लोग की जो स्किन है ना वो गर्मियों की टाइप के हवाले से और तरह की होती है जब गर्मी आती है स्किन किसी की स्किन ऑयली हो जाती है किसी की स्किन ड्राई ही रहती है या किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना सर्दियों का भी स्टार्ट ही होता है तो हमारे स्किन पे ना एक वो खुशकी की तय जम जाती है जब हम लोग सुबह सुबह उठ के फ़ेस वॉश करते हैं तो स्किन पे ना एक खुश्की आ जाती है तो जी मैंने सोचा कि चले मैं आज आपको उस हवाले से वीडियो बनाती हूँ और इन हम अपनी वीडियो में एक बा मास्क भी बताएंगे जो हम रात के टाइम लगाएंगे और उससे स्किन आप कितनी सॉफ्ट हो जाएगी स्किन पे ग्लो आएगी क्योंकि जी ख़ूबसूरत रहना हर किसी का हक है और बड़ा मज़ा आता है जब हम लोगों की स्किन अच्छी होती है और जब कोई दूसरा कॉम्पलें कॉम्प्लीमेंट करता है पूछता है कि आपकी स्किन सर्दियों में भी इस तरह की है तो जी सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्किन के हवाले से क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो अगर हम लोग मेकअप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो रूल है ना आप लोगों को रात को मेकअप ना उतार के सोना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग मेकअप अप्लाई करके सो जाए ना तो उससे भी हमारी स्किन पे रेक्रेशन हो सकता है स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो सकती है तो सबसे पहले अपनी स्किन की ना क्लीज़िंग जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है जितनी आप अपनी स्किन की केयर करेंगे उतना ही आपको फ़र्क पड़ेगा और केयर किस लिहाज से करनी है आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है स्पेशली सर्दियों में हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो निशुर हो, जा, हो जाती है और क्योंकि सर्दी लग रही होती है तो सर्दी में दिल नहीं करता पानी पीने को लेकिन हमने हमने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है और वो हाइड्रेट इसी सूरत में रहेगी कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र करते रहना है मॉइस्चराइज़ करते रहना है आपने अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ लगाना है सबसे पहले फेस वॉश करके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो है सन ब्लॉक अक्सर लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते सन ब्लॉक इतना ज़रूरी है ना चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं या आप कोई काम कर रहे हैं सन ब्लॉक आपने लगाना ही लगाना है ये बहुत मस्त किस्म की चीज़ है आपने सुबह मुँह धोना है उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है और उसके बाद अपनी स्किन को रात के टाइम आप लोगों ने क्लीन यानी क्लिनर से क्लिन करना है ये देखिए अब आप किसी भी कंपनी का क्लिनजर ले सकते हैं किसी भी तरह का कोई लोशन ले सकते हैं अगर किसी के पास क्लिनजर अवेलेबल नहीं है वो लोशन से मसाज कर सकता है अगर किसी के पास लोशन भी अवेलेबल नहीं है तो जी जो है ना वैजिलिन ये हर घर में होती है ये चेक करें ये वेजलिन हर घर में होती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास क्लिनजर नहीं है तो आप जी वेजलिन से भी अपनी फेस की क्लीजिंग कर सकते हैं और सर्दियों में ये इतनी ज़रूरी होती है ना अगर आप वेजलिन से अपने फेस की क्लिनिंग करेंगे ना तो हमारे फेस के अंदर ना ये देखें इसका ये कितना ये इसकी सॉफ्टनेस चेक करें ज़रा कितनी ये सॉफ्ट होती है तो हर किसी के घर में ये अवेलेबल होती है अगर क्लिनजर ना भी हो तो वैजीन ये चीज़ है तो सर्दियों में अगर हम अपने लिप्स पे लगाते हैं तो हमारे लिए लिप्स कितने सॉफ़्ट हो जाते हैं तो सोचिए अगर हम अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे और इससे हम लोग अपनी स्किन को क्लिन करेंगे तो कितनी सॉफ्ट होएगी तो आज मैं आपको बाकायदा करके बताऊँगी अपने फेस पर अप्लाई करके बताऊँगी ये देखें अगर मिसाल के तौर पर क्लेंजर नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है ये देखें अपने फेस पे मिसाल के तौर तो पे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर ली ठीक है ना अब ये मैं आपके सामने ये देखें जितनी मैं अपने फेस की क्लिनजिंग करूँगी मेरा फेस उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा ये चेक करें इसमें इतनी चिपचिपाहट होती है और ये अब आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी है ना खाली लिफ्ट के लिए नहीं आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपकी पलकों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है ये देखें मैं थोड़ी सी अम, अमाउंट और लेती हूँ ये देखें इसको मैंने लगाया अपनी पलकों पे ये चेक करें अब आप फर्क देख सकती हैं ये पलकों के लिए बहुत बहुत ही अच्छी है इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक मास्क लेके आ रही हूँ जो हम अपनी आई लशिज़ पर लगाएंगे तो हमारी आई लशिज़ भी ग्रो करेंगी वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने लगी हूँ ये देखें अब ये देखें ये मेरे फेस पे इतनी सॉफ्ट सॉफ्टनेस हो गई है ना ये चेक करें उसके बाद जैसे हमने मेकअप किया हुआ अगर क्लिनर नहीं है हमारे पास तो हम सिंपल फेस वॉश से मुंह धो लेंगे उससे हमारी ना ऊपर की स्किन तो ठीक हो जाएगी साफ हो जाएगी लेकिन हमारी जो तय होगी ना अंदर से उसमें मेकअप चला जाएगा क्योंकि हमारे पोर्ट्स खुले होते हैं और जब हमारे पोर्ट्स खुले होंगे उसकी तय में आपका मेकअप चला जाएगा उसके बाद आ, जब तक आप क्लिनर नींद से क्लिन ना करेंगे आपकी स्किन में ना आपका मेकअप रह जाएगा जिसकी वजह से हमारी स्किन में दाने बन जाते हैं स्किन ख़राब हो जाती है झुलियाँ पड़ जाती हैं तो ये देखेंगे मैंने आपके सामने वैजिलिन अप्लाई की ठीक है उसके बाद कोई भी ये कॉटन ले के ना चेक करें इस टाइम मैंने अपने फेस में कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ ये देखिए ये चेक करें ये हो गई आपकी क्लिनिंग ठीक है रात को आपने ये करके सोना ही सोना है सर्दियों की ये आपकी रूटीन है ठीक है ना क्योंकि हमारी स्किन कहते हैं ना इंसान की शख्सियत जो है ना वो आपकी स्किन से होती है अगर आप किसी से मिल रहे हैं आपकी स्किन पे दाने हैं दाग हैं डिब्बे हैं तो आपका इंप्रेशन वैसा नहीं पड़ता लेकिन अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो अगला बंदा भी पूछेगा कि वही तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है तुम क्या लगाते हो तो दी ये है आपकी स्किन की पहली केयर सर्दियों में आपने रोज़ रात को अपनी स्किन को क्लींजर से क्लींस करना है उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ एक मास्क और मास्क के लिए हमें चाहिए एलोवेरा एलोवेरा भी हर घर में होता है तकरीबन मोस्टली मेजोरिटी लोग जो हैं वो एलोवेरा यूज़ करते हैं आपने लेना है एलोवेरा और एक लेना है विटामिन ई e का कैप्सूल ठीक है ना ये दो चीज़ें हैं बस इन दो चीज़ों से हम मास्क बनाएंगे अब आपने क्या करना है एलोवेरा जेल लेना है बहुत थोड़ा सा। थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया ठीक है ये मैं आपको नाइट केयर बता रही हूँ नाइट केयर की रूटीन बता रही हूँ और जी हमने ये आपके सामने मैंने खोला कैप्सूल ये देखें उसके बाद थोड़ा सा हमने किया इसमें सुराख ये देखें ये है एलोवेरा जेल ठीक है और ये देखें ये थोड़ा सा मैंने कैप्सूल लगाया अब हमने इसको मिक्स करना है मिक्स 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 इतना मिक्स करना है इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल जकजान हो जाए ठीक है उसके बाद आपने ये पूरे फेस पे अप्लाई करना है आपके पूरे फेस पे अप्लाई करके उसके बाद आपने मिसाल के तौर पे समझिए कि ये हमारा सीरम है जैसे सीरम जो होते हैं ना वो हम रात के टाइम लगाते हैं ना तो जी ये हमारा सीरम है इसको हमने रोज़ रात को लगाना है नाइट क्रीम के समझ के अपनी केयर करें अपने आप को टाइम दें क्योंकि हम लोग अपनी अपने आप को टाइम नहीं देते हम लोग दिन के सारे काम करते हैं लेकिन जब रात का टाइम आता है ना मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि जब हम रात का टाइम आता है ना तो बस हम डी दी, डीले पड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी हमने अब सोना है अब हमने लेटना है लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लें ये देखें मेरे फेस पे इस टाइम कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ वो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और ये आपकी स्किन के लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का है जब सुबह के टाइम आप उठेंगे तो आप बाकायदा फ़ील करेंगे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है आपकी स्किन सॉफ़्ट है क्योंकि ड्राइनेस आपकी स्किन पे होगी नहीं जब आप ये अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपकी स्किन सॉफ़्ट और बिल्कुल ही नरम हो जाएगी तो रोज़ रात को आप लोगों ने ये मास्क बनाना है और अपने लिए थोड़ा सा वक़्त निकालें अपने आप को टाइम दें और रोज़ रात को ये एलोवेरा और, एलो और विटामिन ई का कैप्सूल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपने फेस पे अच्छी तरह मिसाज करनी है जैसे हम एक सीरम अप्लाई करते हैं उस तरह ही अप्लाई करके तो जी हम लोगों ने सो जाना है और जब हम सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होगी उसमें बिल्कुल भी अकड़ाव नहीं होगा बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं होगी क्योंकि स्किन पर झुड़ियाँ जो आती हैं ना और जो स्किन फटी होती है उसका सबसे बड़ी मेन वजह ही ये है कि एक तो हम पानी नहीं पीते एक हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते तो जी आज मैंने आपसे बात की आ, स्किन के हवाले से स्किन की ड्राइनेस के हवाले से और एक मास्क भी आपको बनाना सिखाया तो उम्मीद करती हूँ जी जी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आप ये मास्क बनाएं और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको आ, क्या रिज़ल्ट मिला क्योंकि अभी भी आप चेक कर सकते हैं मेरी स्किन इतनी शाइन कर रही है और इतनी सॉफ़्ट है जबकि मैंने यहाँ इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो क्लिनजर इस्तेमाल करें रोज़ाना रात को अगर क्लींजर नहीं है तो ये जैसे मैंने आपको वैजिलीन का बताया है आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के लिए ये बेस्ट एंड बेस्ट टिप है तो जी वैजिलीन का इस्तेमाल करें उसके बाद ये मास्क अप्लाई करें और आ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा इन बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लागमान